नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में कई दिनों के बाद एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, तो वहीं कई जगहों पर आसमानी आफत गिरने की भी खबरें सामने आने लगी हैं। बिहार में मॉनसून की सक्रियता की वजह से अब भी बारिश की स्थिति बनी हुई है। अभी मॉनसून ट्रफ गया से होकर गुजर रही है और असम की ओर चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। एक और चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश की ओर बना है, जिसकी वजह से सूबे में बारिश का सिस्टम अभी सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग की ओर से इन मौसमी सिस्टम के आधार पर अनुमान किया गया है कि अगले 24 घंटों में उत्तर पश्चिम बिहार में एक दो जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तर बिहार के जिलों में मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली की गतिविधियां दक्षिण बिहार की अपेक्षा ज्यादा रहेंगी। साथ ही दक्षिण बिहार सहित पूरे सूबे में हल्की से मध्यम बारिश की स्थिति बनी रहेगी। पटना में भी हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान किया गया है। इधर सोमवार को पटना, गया सहित मध्य बिहार के कई जिलों में मौसम साफ रहा। दिन में धूप निकली और पारा ऊपर चढ़ा। मुजफ्फरपुर में झमाझम बारिश हुई। यहां लगभग 35 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया में बारिश की स्थिति नगण्य रही। उत्तर बिहार में कुछ जगहों पर भारी बारिश पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है। इनमें बहादुरगंज में 120 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि भीमनगर और ढेंगब्रिज में 90 मिलीमीटर, पटना में 80 मिलीमीटर, जहानाबाद में 70, जबकि घोसी और गोरौल में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसमविदों के अनुसार बारिश का सिस्टम सक्रिय होने से अभी सूबे में बारिश की स्थिति देखी जाएगी। अगले 3 दिन अधिकतर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया और मौसम विभाग के द्वारा लोगों से यह अपील की गई है कि बारिश के दौरान अपने घरों से ना निकले, क्योंकि इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। पटना में दिन में धूप खिलने से पारा ऊपर चढ़ा, तो वहीं अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो पटना का अधिकतम तापमान सोमवार को 34.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गया में 34.3 डिग्री सेल्सियस, भागलपुर में 33.9, जबकि पूर्णिया में 33.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बारिश न होने से दिन में गर्मी रही। आसमान में आंशिक बादल रहे, लेकिन कहीं भी बूंदाबांदी नहीं हुई। मंगलवार को पटना में हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए गए हैं। आसमान में आंशिक बादल रहेंगे, धूप निकलेगी, लेकिन उमस बढ़ने से पसीने वाली गर्मी रहेगी और इस बीच मौसम करवट लेगा, तो हो सकता है कि तेज बारिश भी राजधानी पटना में हो। और इसी को लेकर मौसम विभाग ने आगाह करते हुए कह दिया है कि राजधानी पटना सरीखे जितने भी जिलों के नाम हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं, उन जिलों के लोग सावधान रहें। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।